अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश और शादाबाद होंगे। जैसे ये मैंने अपलोड की हुई है अपनी ये वीडियो, ये इसको जंपर मैंने बनाया था 1 साल के बच्चे का, ठीक। और इसी के साथ की मैंने मैचिंग टोपी बनाई थी, और अब ये इसके लिए मैंने लॉन्ग सॉक्स कह लें आप, बूटी कह लें, वो बनाए हैं। ये देखें, ये इसके साथ बिल्कुल ये वाला पैटर्न यहाँ आ गया, और ये जो मैंने इसके साथ मैचिंग किया, ठीक। ये ऐसे पूरा सेट बच्चे के, चले अब हम ये दोनों की वीडियो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, टोपी की भी और इसकी भी, और आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ये मैं अभी आपको बनाना सिखाती हूँ जी। इसके लिए हम सबसे पहले 44 स्टिच लेंगे, 44 खाने, 44 फंदे, जैसे भी आप बोलें। इसके लिए मैंने धागे को डबल कर लिया है। डबल करने से ज़रा थोड़ा सा ऊपर से ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। डबल करने के बाद मैं इस पर 44 स्टिच डालूँगी। ये मेरे पास 4 mm की नीडल है, जो कि साइज़ 8 या साइज 9 ऐसे आप कह लो ये बनती है, और ये वूल भी मेरे पास 3-ply है, ठीक है। इसको यहाँ डबल निटिंग बोलते हैं हमारे यहाँ, और लेकिन इसको अगर आप ओपन करते हो तो इसमें 3 स्टैंड होती हैं, ठीक है, 3। ये मैंने ऐसे करके ऐसे डब 2 के साथ मैं ऐसे इसको स्टिच डालूंगी डबल। ना बहुत खुला हाथ, ना बहुत टाइट हाथ, बस दरमियाने हाथ से आपने ये 44 फंदे डाल लेने हैं, 40 ज़र्बे जमा 4, ओके। ये देखें, ये इस तरह यहाँ थोड़ा सा ये इसकी जो रिज है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी बनती है, ठीक है। ये मैंने 44 डाल लिए हैं, आपके सामने मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 टाइम करो तो बनते हैं 44, ओके। अब पहली सिलाई तो हम एक सीधी एक उल्टी ऐसे ही बना लेंगे, ठीक। ये इसको एक सीधा एक उल्टा इसी तरह करके बना लेंगे। जी ये मैंने पूरी सिलाई डाल ली, ओके। ये हमारी राइट साइड है और ये वाली रॉन्ग साइड है, ओके। अब अगली सिलाई हम ये करेंगे, जो हमारा उल्टा है, ये मेरा उल्टा आ रहा है, ये इसको मैं पीछे से लाके बनाऊंगी, पीछे से ऐसे, ओके, ऐसे जो धागा पीछे, जो सीधा है उसको यहाँ से नहीं मैंने बनाना, उसको मैं पीछे से बनाऊंगी ऐसे, फिर धागा आगे, ठीक। अब उल्टा है, उल्टे को एक उल्टा एक सीधा बनाना है। जब उल्टा बनेगा तो हमने ऐसे नहीं उठाना, ऐसे नहीं उठाना, हमने ऐसे पीछे से लाके, पीछे से लाके ऐसे उठाना है। इसी तरह ये एक सीधा एक उल्टा, सीधा पीछे से, उल्टा भी पीछे से लाएंगे ऐसे, इधर से या यहाँ से, ओके। ये देखो यहाँ से नहीं, इधर से। इसी तरह ये मैंने पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लूँगी। दूसरी सिलाई पे भी जो सीधा है वो मैं सीधा इसी तरह बनाऊँगी, जो उल्टा है वो मैं इसी तरह उल्टा बनाऊँगी। इसी तरह आप ये पूरा बॉर्डर इतने इतना कंप्लीट कर ले, इतना सा, ओके जी। ये मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है, उसी तरह एक उल्टा एक सीधा का बनाते बनाते, ये तकरीबन 1 inch का बॉर्डर है, ओके। अब हमने इस धागे का काम ख़त्म हो गया, अब हम ये वाला धागा ऐड करेंगे। इस धागे को मैं ऐड करने वाली हूँ, यहाँ एक नोट कर लेती हूँ इसके साथ ऐसे, ओके, ताकि फिर वो धागा लूज नहीं होता, ओके। ऐसे करने के बाद हमने पहली सिलाई और इस वाले धागे को मैं कट कर देती हूँ। पहली सिलाई हमने
सीधी सीधी डाल लेनी है। पहली सिलाई हम ये सारी सीधी सीधी डाल लेंगे। इसे बस सीधा सीधा सारा बना लेंगे। ठीक, अब हम उल्टी सिलाई से ये जो डिज़ाइन बनाया है मैंने, ये डिज़ाइन उसकी पार्टीशनिंग शुरू कर देते हैं। ओके, उल्टी साइड से ये डिज़ाइन, उसका हमने ये करना है। उस डिज़ाइन को आप ये तो मैं वैसे बना लूँगी, ये दो मेरे इस साइड से उल्टे होंगे तो इधर से मैं सीधे बनाती हूँ। ठीक, दो सीधे, फिर मैं दो उल्टे यहाँ बना रही हूँ, दो सीधे दो उल्टे, अब चार सीधे, एक दो तीन चार मैंने सीधे, फिर मैंने दो उल्टे, इसी तरह चार सीधे दो उल्टे बना, पूरी रो पूरी ये सिलाई मैंने ऐसे कंप्लीट करनी है। चार सीधे दो उल्टे, सीधे, जो इधर मैं सीधा बना रही हूँ वो यहाँ आके इस साइड पे उल्टा हो जाएगा। ठीक, ये पूरी सिलाई चार सीधे दो उल्टे करके कंप्लीट कर लें। चार सीधे दो उल्टे, अब यहाँ पे चार सीधे नहीं होंगे, यहाँ दो सीधे हैं। वो इसलिए कि मैंने डिज़ाइन को इस तरह किया है कि जब ये सिलाई हो तो भी ये फील नहीं होगा, ये बराबर बराबर आएगा। ओके, इसलिए मैंने इसको इस तरह इस खानों को डिवाइड किया है कि वो एंड तक बूट इक्वल बैलेंस लगे। ठीक, ये दो अब है, दो सीधे बनाऊंगी और ये मेरा साइड का वैसे ही एक। ओके, अब अगली दो सिलाइयां हमने ये करनी है कि जहां हमने जो हमारा सीधा स्टिच आ रहा है उसको सीधा बनाना है, सीधा खाना जो फंदा जो भी आ रहा है, जो उल्टा आ रहा है उसको हमने उल्टा बनाना है। ये मेरे अब देखें दो यहाँ उल्टे आ रहे हैं। ओके, तो ये मैं दो उल्टे बना लूंगी। अब यहाँ मेरे दो सीधे आ रहे हैं तो ये मैं दो सीधे, इसी तरह जहाँ जो सीधे आ रहे हैं वो मैं सीधा बना लूंगी, जो उल्टे आ रहे हैं यहाँ आप देखें ये चार मेरे 1 2 3 4 उल्टे आ रहे हैं। ओके, वो मैं उल्टे बना लूंगी। पूरी सिलाई इसी तरह बना के अगली सिलाई पे भी हमने ऐसे ही करना है, जो सीधे आएंगे वो सीधे आप बनाने हैं, जो उल्टे आएंगे वो उल्टे बनाने हैं। जी, ये देखें, ये मैंने टोटल मेरी ये देखो तीन सिलाइयाँ होगी। एक पहले मैंने पार्टीशनिंग के लिए वो जो डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए बनाई, दो मैंने वैसे बनाई। ये चार सिलाइयों पे डिज़ाइन बनता है, एक सिलाई पे सिर्फ डिज़ाइन बनता है, बाकी तीन हमने वैसे ही डालनी होती है, जो सीधी हैं वो सीधी, जो उल्टे हैं उल्टे। अब ये देखो यहाँ पे दो सीधे हैं चार उल्टे हैं। ठीक, अब मैंने इसका एक सीधा इधर ले आना है और एक सीधा इधर ले जाना है। जैसे ये देखें, ये एक सीधे को मैं इधर ले गई और ये मैं एक सीधा इधर ले गई। ओके, इसको मैं वैसे ही बना लूंगी। अब देखो ये इसमें से एक सीधा इन के साथ आएगा, ये मैंने दो तीन को उठाया पीछे से मैंने दो को पिक कर लिया, इसको लीव करने के बाद मैं इसको उठा के ऐसे सीधा बना लूंगी। ओके, ये मेरा सीधा बन गया और ये दो मेरे उल्टे थे जो इधर आए, इसको मैं उल्टे ही बनाऊंगी। अब ये वाला सीधा जो है वो इस साइड पे जाएगा, यहाँ से मैंने तीन पिक किए, ये बिल्कुल केबल की तरह ही होते हैं लेकिन तीन में है, एक ने बस इधर जाना होता है। ये यहाँ से मैंने पिक किया, इन दो को हल्के हाथ मैंने लीव किया और इनको ऐसे उठा लिया, उठाने के बाद वापस इस सिलाई में डाल के तो ये दो उल्टे थे उल्टे बना लिए। अब ऐसे और इसको मैं सीधे को ऐसे ही बना लूंगी। ओके, ये दो मेरे एक दफ़ा इधर आ गया, एक दफ़ा इधर आ गया। अब अगले दो हैं, ये भी एक दफ़ा उधर जाएगा, एक इधर आएगा। ओके, अब फिर मैंने तीन को पिक किया पीछे से मैंने दो उठाए, इसको मैंने लीव किया और ऐसे
इसको उठाने के बाद इधर डालना, करने के बाद मैंने इसको सीधा बना लिया। ओके, और ये दो उल्टे हैं, इनको मैं उल्टा ही बनाऊंगी। ओके, अब ये वाला इस साइड पे जाएगा। मैंने तीन को इस सिलाई पे लिया, फ्रंट से इसको वन को पिक किया और इसको मैंने लीव करने के बाद इनको दोबारा सिलाई में डाला और ऐसे इसको उठा लिया। अब ये मैं दो मेरे उल्टे हैं और एक सीधा है। इसी तरह ये ऐसे करना है, इन दो को एक दफ़ा एक खाना इधर ले आना है, एक फंदा इधर ले जाना है और ये पूरी सिलाई इसी तरह। इसको मैं यहाँ लेके आई हूँ। इसको मैं, अगर आपको देखने में कंफ्यूजिंग लगता है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, कंफ्यूजन होती है तो आप सिलाई और वूल लेके बैठ जाएं। जैसे जैसे मैं करनाती हूँ वैसे वैसे बनाओ तो वो फिर ज़्यादा क्लियर होगा आप पर, बजाय देखने के समटम कन्फ्यूजन हो जाती है। ये देखें, ये मैंने तीन को उठाया, इसको उठा के इधर, ये दो उल्टे और एक सीधा, बस इन दो, इनको इधर इधर स्प्लिट करना है केबल की तरह। ये ऐसे किया, ये इधर को मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, शिफ्ट करना है इसको स्प्लिट करके ऐसे। फिर मैंने धागा आगे किया, दो मैंने उल्टे बना लिए। ओके, ये मैंने इसको उठ पिक करके इधर को, बिल्कुल इसी तरह इन दोनों को, एक को इधर ले आओ, बाकी दो को इधर ले जाओ, ये इधर आ जाए, इसी तरह ये आप कंप्लीट कर लें जी। ये देखें, ये मैंने सारी सिलाई इस तरह डाल ली है। अब उल्टी सिलाई हमने इस तरह करनी है, जो हमारे पास सीधे हैं उल्टी साइड पे वो उल्टे डालने हैं, जो जो सीधे हैं वो सीधे डालने। ये देखो, ये मेरा उल्टा आ रहा है तो ये मैं उसको उल्टा डाल लूँगी। ठीक, अब फिर मेरे पास ये चार सीधे आ रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों को मैं सीधा बनाऊंगी। ठीक, उसके बाद फिर ऐसे दो उल्टे हैं, चार सीधे हैं, बस इसी तरह ये पूरा कंप्लीट करनी है मुझे सिलाई। ये पूरी सिलाई इसी तरह बनाने के बाद अगली दो सिलाइयाँ भी मैं ऐसे ही करूँगी, जो सीधे हैं वो सीधे बनाऊँगी, जो उल्टे हैं वो मैं उल्टे बनाऊँगी। इसमें सिर्फ एक सिलाई पे ये इधर उधर केबल ये स्प्लिट होके ये शिफ्ट होती है, बाकी तीन सिलाइयाँ जो सीधे हैं वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे ऐसे ही डलते हैं। ठीक है, ये देखें, यानी कि इसको ट्विस्ट करने के बाद मैंने ये तीन सिलाइयाँ डाली हैं, जो सीधे हैं वो सीधे डलेंगे, जो उल्टे वो उल्टे। ठीक, अब फिर हमने इनको शिफ्ट करना है, ये दो है ना, इनको स्प्लिट करके, यानी कि एक मैं इधर ले आऊँगी और एक मैं इधर ले जाऊँगी, एक मैं इधर ले आऊँगी, इसी तरह फिर हमने दोबारा उसी तरह बनाना है। ठीक, अब ये एंड पे ये जो सीधा आ रहा है, इनको मैं तीन को पिक करूँगी, ये उसको उठाऊँगी दो लीव करने के बाद, उसी तरह इनको, और ये मेरे दो उल्टे हैं तो फिर मैं इनको उल्टा बनाऊंगी, और ये मेरा सीधा आ रहा है। ठीक, अब इन दोनों में से एक इधर जाएगा, एक इधर, इसको मैंने उठाया, इनको ऐसे, और ये मेरा सीधा बन गया। अब ये दो उल्टे हैं, अब फिर इधर ये पिक करूंगी, इधर लेके आऊंगी, इसी तरह ये मैं इस पूरी सिलाई को बना लूंगी। ये ऐसे इधर जाएगा, ये देखिए ऐसे, ये इस तरह ये डब्बियाँ, एक दफ़ा ये इधर आया फिर ये वापस उधर गया, तो ऐसे दो इस तरह ये डब्बियाँ बन रही हैं। ओके, ये पूरी सिलाई फिर मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ। ओके,
ये मैंने पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट कर ली है। अब अगली तीन सिलाइयां फिर जो जहां जो सीधा आ रहा है वो सीधा डालेंगे, वो जो उल्टा उल्टा डालेंगे, ये सिलाई मैं डालूंगी, फिर ये मैं ऐसे डालूंगी, फिर ये मैं ऐसे डालूंगी, उसके बाद फिर यही स्टेप होगा, ये खाने इधर उधर शिफ्ट होंगे। ओके जी, ये मैंने देखे तीन सिलाइयां डाल रही हैं, अब फिर उसी तरह ये रिपीट होगा। ओके ये जो इसी तरह मैं ये रिपीट कर लूंगी। अब ये मेरा इधर से पिक होके सीधा फिर वापस इधर आ जाएगा। अब ये उल्टा, दो उल्टे, अब ये फिर इधर को, इसी तरह ये सारी सिलाई जैसे मैंने आपको सिखाया है, बस इसी सिलाई पे आपको थोड़ा सा करना ख्याल करना पड़ेगा, वरना तीन सिलाइयां तो बहुत ही आसान है। ये अब ये दो, फिर इधर को दो में से एक, इसी तरह ये पूरी सिलाई आप डाल ले। ओके जी, ये मैंने पूरी सिलाई डाल दी है, अब हमने इसके लिए शुरू करनी है पार्टी। ये अब ये मेरा इतना डिजाइन हमने बना लिया है, अब ये वाला पार्ट शुरू होगा। ओके बनना, उसके लिए हमने ये करना है कि ये टोटल है ना 19, दरमियान के 6 स्टिच मुझे लेने हैं, दोनों साइडों पे ये 19 19 आने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 आ गया, 19 पे मैं यहाँ ये मार्क कर देती हूँ। ठीक, इसी तरह 19 इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, दरमियान में ये 6 मेरे बाकी रह गए, देखो 1 2 3 4 5 6 बाकी रह गए। ओके 19 इधर कर दिए मैंने, 19 उधर कर दिए, और ये मैंने इनके मार्कर लगा लिए। अब यहां तक तो ये जो उल्टा है वो उल्टा पड़ेगा, जो सीधा है यहां तक जो सीधा पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हमने उसी तरह डिजाइन को लेके ये मेरा उल्टा, फिर 4 सीधे 3 4 मेरे सीधे, 2 उल्टे, 1 2 3 4 सीधे, 2 उल्टे, फिर 4 1 2 3 4 सीधे और 1 ये उल्टा। ठीक, अब ये वाला मार्क भी इधर कर लूंगी, इसमें मैंने ये वाला भी उसी तरह उल्टा बनाना है। ये जो 4 है ना, 4 इनको मैं यहाँ सीधे हैं लेकिन मैं उल्टे बना लूंगी, वो इसलिए कि वो ये केबल के लिए ये सीधे यहाँ स्टार्ट करनी है। ओके इस साइड पे ये जो 4 सीधे आ रहे हैं इनको मैं सीधा नहीं बनाऊंगी, इनको मैं उल्टा बनाऊंगी, 1 2 3 एंड 4। ओके और ये फिर मेरा एक उल्टा, यहाँ भी ये एक उल्टा आ रहा है, और बाकी सिलाई मैं उसी तरह जो सीधे हैं वो सीधे बना लूंगी, जो उल्टे हैं वो मैं उल्टे बना लूंगी। ठीक, अब ये मेरी पूरी कंप्लीट होगी। अब यहाँ तक तो मैं ऐसे ही जो सीधे हैं वो सीधे, जो उल्टे वो उल्टे, डिज़ाइन को हिसाब से ही बना लूंगी। ये मेरा एक सीधा आ रहा है, ये 4 उल्टे आ रहे हैं, ये फिर 2 सीधे आ रहे हैं, ये 4 उल्टे आ रहे हैं, फिर 2 सीधे आ रहे हैं, 4 उल्टे हैं, ये मैं इसी तरह बना लूंगी। ठीक, बनाने ये मैंने यहाँ तक डाल लिया। ओके अब हमने ये करना है कि ये मैं मार्क को इधर रख लूंगी ऐसे ही,
करने के बाद ये मैं सीधा बनाऊंगी, एक जो मेरा सीधा है। सीधा बनाने के बाद मैं एक स्टिच को ऐसे बढ़ा लूंगी, एक मेरा एक्स्ट्रा स्टिच हो गया। ठीक, अब ये चार मैं वैसे ही सीधे बनाऊंगी, तीन, एक दो तीन चार, और यहाँ फिर मेरा एक स्टिच यहाँ बढ़ गया, यानी कि इन चार जो केबल के इर्द गिर्द मैंने एक एक स्टिच बढ़ा लिया और ये मेरा सीधा ऐसे ही है। और ये मार्क फिर मैं इधर कर लूँगी, ठीक, और ये बाकी सिलाई मैं ऐसे ही डालूँगी, जो मेरे सीधे हैं वो सीधे डालूँगी, जो उल्टे हैं वो उल्टे डालूँगी। अब उल्टी सिलाई भी ऐसे ही करनी है, जो सीधे हैं वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे। यहां से हमने ये मेरे सीधे चार, दो उल्टे, चार सीधे, दो उल्टे, चार सीधे, ये एक उल्टा, मार्क इधर आ गया, ये भी उल्टा। और ये जो हमने एक खाना बढ़ाया था ना, ये इसको हमने सीधा बनाना है, इसको पीछे करके मैंने सीधा बना लिया। ठीक, और बाकी मेरे फिर आगे धागा किया, चार उल्टे बनेंगे, ये और ये, फिर ये मैंने खाना जो बढ़ाया हुआ है इनको मैंने धागा पीछे करके इसको मैंने सीधा बनाना है। ओके, फिर ये धागा आगे, ये उल्टा ऐसे, ये मार्क आ जाएगा, दोबारा मार्क आ गया ऐसे ही, ये उल्टा। बाकी सिलाई मैंने उसी तरह डालनी है, जो सीधे है वो सीधे, जो उल्टे है वो उल्टे। ये मैं बनाने के बाद अगली सिलाई मैंने उसी तरह पैटर्न को फॉलो करते हुए वो डिज़ाइन डालना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ तक आ गई हूँ। ठीक, अब मेरा ये मेरे तीन हैं तो सीधा इस साइड पे आएगा, दो मैंने पीछे से उठाए, सीधे को उठाया बैक इधर से, और यहाँ करने के बाद इसको बना लिया। ओके, और फिर ये दो मेरे उल्टे, दो उल्टे, और ये मार्क फिर आ गया। ओके, हाँ सॉरी, इसको पहले ऐसे करूँगी फिर ये लगाती हूँ, और ये मेरा क्या। ओके, अब मैंने ये वाला सीधा बनाना है ऐसे ही। बनाने के बाद फिर मुझे एक स्टिच बढ़ाना है, मार्क के बाद ये जो सीधा होगा उसके साथ ही मैंने एक और स्टिच बढ़ा दिया, और ये देखें ये मैंने ये उल्टा आ रहा है मेरा। अब ये चार की केबल होनी है, चार की केबल मिडल की, दो को मैंने ऐसे पिक किया, दो को लीव कर दिया ऐसे, और ये उठा लिया, फिर वापस ऐसे केबल, फिर इनको चारों को सीधा बना लिया। ये मेरी केबल डल गई। ठीक, अब ये उल्टा। अब इस सीधे से पहले फिर हमने एक स्टिच बढ़ाना है ऐसे करके, फिंगर से करो ऐसे, और सॉरी फिंगर में लो ऐसे, और इसको धागे को खींच ले ऐसे, और धागा खींच ले तो ये एक स्टिच बढ़ जाता है। ठीक, बढ़ गया, और ये देखें ये मेरा सीधा ही आ रहा है। ये मार्क, और यहाँ ये मैंने इसको डाल लिया। ओके, अब यहाँ से फिर ये डिज़ाइन को स्टार्ट हो जाना है। ये मैं तीन को उठाऊंगी, इधर इसको पिक करूंगी, ये दो इस साइड पे करूंगी ऐसे, और ये इनको ये उल्टे बनने हैं, दो उल्टे बना लूंगी। ये सीधा,
आप फिर इसी तरह डिज़ाइन को कंप्लीट कर लें। ये मैं कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई उसी तरह सीधे सीधे उल्टे उल्टे डाल के यहाँ तक आ गई हूँ। ठीक, अब ये फिर दो मेरे पास सीधे हैं। उल्टी सिलाई में हमने बस ये करना है कि जो हमने एक खाना या स्टिच या फंदा बढ़ाया है उसको हमने सीधा बनाना है। ये मैंने सीधा बना लिया जो मैंने बढ़ाया था। ठीक, और ये भी सीधा, फिर चार केबल के उल्टे। ठीक, अब ये सीधा और ये जो मैंने बढ़ाया है इसको भी मैं सीधा बना रही हूँ, ये उल्टा। ओके, अब मार्क लगा लें ताकि आपको पता चले। और ये बाकी जो साइड मेरा साइड बाकी, ओहो ये क्या हुआ, ओहो लगाने के बाद ये इसी तरह सीधे जो उल्टे वो उल्टे, ये पूरा कंप्लीट करके उसी तरह मैं जो सीधा सीधा उल्टा बना के जब यहाँ आऊँगी तो फिर इसके साथ मैं एक और स्टिच बढ़ा लूँगी, फिर इधर इसके साथ एक और स्टिच बढ़ा लूँगी, यानी कि तीन तीन मुझे स्टिच यहाँ दोनों साइड इस केबल के गिर्द बढ़ाने हैं। ठीक है, ये देखें, अब इसके बाद फिर मुझे एक स्टिच यहाँ बढ़ा लेना है ऐसे, और ये मेरे बाकी दो उल्टे हैं, ये चार सीधे केबल के, यहाँ दो उल्टे आ रहे हैं जो कि मैंने पहले बढ़ाए थे। अब यहाँ फिर मुझे एक स्टिच बढ़ा लेना है। ठीक, और ये सीधा, और बाकी सिलाई मुझे ऐसे ही डालनी है और उल्टी भी वैसे ही डालनी है। ओके, ये मैं ऐसे ही डाल ली। ये मैंने पूरी सिलाई डाल ली है। ओके, अब अगली सिलाई हमने उसी तरह पैटर्न को उसी तरह बनाना है, लेकिन अब और कोई खाना नहीं बढ़ना, बस मुझे तीन तीन खाने ही बढ़ाने थे, लेकिन यहाँ पे अब केबल भी डलेगी, केबल भी ट्विस्ट होगी। ठीक है ना, और ये सारे इसी तरह, ये सारा पैटर्न, ये वाला, ये इधर को ट्विस्ट होगा दोबारा, अगेन वही पैटर्न पड़ेगा सारा। मैंने पूरा ये बना लिया, अब ये यहाँ मुझे अब कोई भी स्टिच नहीं बढ़ाना, ऐसे ही मैं सीधा डालूंगी। ठीक, और ये मेरे तीन जो उल्टे तीन मैंने स्टिच बढ़ाए थे, तो उस अब मेरे ये तीन यहाँ पर स्टिच फंदे हो चुके हैं। ठीक है ना, अब यहाँ मेरी ये फिर चार की केबल बनेगी, केबल उसी तरह दो को पिक करो, ये उठाओ और ये ऐसे, ये चार बना लिए, ये उसी तरह तीन बनेंगे, ये मेरा एक सीधा है, ये इधर आ गया। अब ये भी मुझे डिज़ाइन डालना, ये वाले मेरा इधर जाएगा, ये इधर आएंगे। ओके, अब मैंने तीन को पिक किया, ये उठाया और इधर से ऐसे करने के बाद ये मैंने सीधा बना लिया। और ये उल्टा, इसी तरह ये मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो ये इसी तरह ये कंप्लीट करने के बाद जो उल्टी सिलाई है वो मैं उसी तरह जो सीधे है वो सीधे, जो उल्टे हैं उल्टे बना लूँगी। अब मैं ये करने के बाद सारी वो उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम ये करेंगे कि इतना पोर्शन बनाने के बाद ओनली ये वाला पोर्शन पहले बनाएंगे। इसको मैं यहाँ पोर्शन को इतना पोर्शन बना लेती हूँ उसी तरह, जो सीधे हैं वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे डालने के बाद दो सीधे, चार उल्टे इस साइड से,
फिर दो सीधे, ये चार उल्टे और ये यहाँ तक, ये मैंने 18 स्टिच लिए हैं, ये 18 स्टिच है। ये वाला स्टिच मैं इसके साथ ऐड कर लूँगी, क्यों इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मैं इसकी वजह ये है कि ऐसे एक मैंने इधर से खाना ले लिया, ये 19 थे पहले, अब 18 रह गए, ठीक है। और इसी तरह मैं एक इधर से ले लूँगी, इसलिए कि ये वाला स्टिच जो एक एक है ना, इसकी वजह से मैंने यहाँ से एक एक लिया है, ठीक। अब ये यहाँ तक, अब ये तो ये मेरा उल्टा हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ले लिया है, और ये मैं पहले ठहरो, एक स्टिच मैंने इधर से ले लिया और ये मैं ऐसे कर लेती हूँ, इसको मैं उल्टा बना लेती हूँ, ठीक। बाकी मैंने इसी तरह बनाने हैं जो जो उससे डिज़ाइन है। चार केबल के, ये तीन उल्टे, एक सीधा, ठीक। और इसको उतार के मैंने एक इधर से ले लिया, और केबल यहाँ लेने के बाद इधर से ये मैंने उल्टा बना लिया, ओके। अब इधर से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन बनाना है, ये मिडल पोर्शन, ये वाला मिडल पोर्शन बनेगा, ये इसको निकाल दो। अब यहीं से मैं एक और छोटी ये सिलाई ले लेती हूँ छोटी, इसको मैं ऐसे शुरू करती हूँ, ये मेरा उल्टा है, ये सीधे हैं, ये चार उल्टे हैं केबल के, ये सीधे हैं, ये उल्टा, और ये मेरा एंड वाला, ठीक। ये इतने खाने मुझे बनाने हैं, इनको मैं इसी में से ऐसे पीछे काट देती हूँ अपनी सहूलत के लिए, ओके। ये अब मुझे ये पोर्शन बस बनाते जाना है, इसके लिए मैंने ये दो छोटी सिलाइयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहीं से मुझे वापस, ये सीधा है, ये तीन उल्टे आ रहे हैं, अब यहाँ मेरी केबल भी पड़नी है, चार की मैंने केबल बनाई, ठीक। ये ऐसे मैंने उल्टी बनाई, फिर ये सीधा, ये मेरा एंड वाला। अगर आपके पास ये वाली रॉड वाली नीडल नहीं है और आप सीधी वाली नीडल से बना रहे हो, तो आप ऐसा करो कि इनको किसी धागे में या किसी सेफ्टी पिन में दोनों साइडों से परो देना, ओके। परोने के बाद उसी सिलाइयों से ये मिडल वाला पोर्शन बनाना शुरू कर दें। अब यहीं से मैं उल्टा, यहीं से दोबारा, ओके। इतना डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा अप टू, ये देखिए अभी वन टाइम ट्विस्ट हुआ है, टू कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम ऐसे मुझे ये केबल बनानी है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम, ओके। अभी ये 1 1 2 3 3 टाइम हुई है, अभी मैं इसको बनाऊंगी सेपरेट जी। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, ये 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल ये मुझे 6 टाइम ऐसे क्रिस क्रॉस होना है इसने। अब मेरी बच्चियाँ कह रही हैं, मम्मा ये 1 से 2 साल के बच्चे का ज़रा थोड़ा सा बड़ा साइज़ लगता है, तो
मैं भी कंफ्यूज होगी। खैर अब तो बन गया है, तो बास बच्चे को पाँव भी बड़े होते हैं हेल्दी बच्चों के और बास के नहीं, तो इतना एग्जैक्ट साइज तो नहीं बन सकता, ये अंदाज़ा ही लगाना होता है जो कि मैं लगाती हूँ और डिज़ाइन ऐसे बनाती हूँ, शुरू हो जाती हूँ। तो आप ऐसा करें, अगर आपको भी ये ऐसे, मैं बता देती हूँ उसका कितना, उसकी बच्चे का फुट देख लें, ये इसका सोल जो है ना वो तकरीबन 5 इंच बना है, ठीक है ना, 5 इंच। अगर आपको लगता है कि ये बड़ा है, आप सोल नाप लें, तो आप ऐसा करें कि ये वाला जो मैं कर रही हूँ ना, ये पार्ट जब आप एक ये जो क्रिस क्रॉस जो उसको भी कहते हैं केबल कम डालोगे, तो उतना ही ये छोटा सा थोड़ा सा इतने साइज का हो जाएगा, ठीक, ऐसे। यानी कि ये मैं जो 6 बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 है, उसकी जगह आपने 5 डाल लेनी है, ठीक। यहाँ तो 5 डल चुकी हैं, मैं तो अब 6 ही डालूंगी। वैसे भी बच्चों की थोड़ी सी चीज़ बड़ी ही होनी चाहिए, अगर अभी नहीं पूरी आई तो बाद में आ जाएगी, बिल्कुल बड़ों का हल होता है, छोटे का हल नहीं होता। तो बहरहाल आप देख लीजिएगा, अब ये कि मैंने बना लिया 5 तक बना लिया, अब मुझे ये करना है, ये 2 स्टिचेस मैंने ऐसे ही डाले, डालने के बाद इन 2 को धागा आगे लाऊंगी, यहां मैं कट करूंगी, 2 का 1 बना लूंगी, ताकि थोड़ी सी ये यहां शेप भी राउंड सी आए, आगे से मोटी मोटी बड़ी बड़ी शेप नहीं आए, ओके। और ये मैंने ऐसे ही डाल लिया, और ये 5 जब मेरी केबल बन गई, उसके बाद 6 केबल पे मैंने इनका खाना काम किया। अगर आपने छोटा साइज बनाना है तो फिर आप 4 केबल के बाद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये मैं करने के बाद इसको मैं इन 2 का 1 कर दूंगी, और ये ऐसे ही हो जाएगा। अब उल्टी सिलाई भी मैं वैसे ही डालूंगी, ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे ही, ये अब केबल भी पड़ेगी, और एक और ये मैंने सीधा ऐसे ही बना लेना है, और आगे धागा करके ये 2 जो उल्टे हैं इनका फिर मैं 1 कर लूँगी। 2 मैंने दोनों साइडों से यहाँ से कम किए हैं, ठीक। और ये केबल भी ऐसे ही बनेगी, केबल को मैंने ट्विस्ट किया उठा ऐसे, ऐसे कुछ चारों को सीधा बना लूंगी, और यहां भी ये 2 मैं उल्टे बनाऊंगी, आगे से थोड़ा सा राउंड हो गया इसकी शेप, बहुत स्क्वायर सी नहीं होगी, ठीक, ऐसे थोड़ी सी राउंड होगी। देखें अब उल्टी सिलाई, मेरी सिलाई गिर गई, अब उल्टी सिलाई इसी तरह डालेंगे, और ये मेरा पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये और ये, ओके, ये मेरा रिक्वायर लेंथ जितनी मुझे चाहिए थी उतनी कंप्लीट हो गई है। ये 1 2 3 4 5 6 केबल हो गए, इधर भी 5 6 थे, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब हमने क्या करना है, और ये देखिए, अगर आप यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक ये स्टिचेस को उठाना है, ये देखिए, ये इसको मैंने ये मैंने पहले पोस्ट बना लिया था, अब इसी को मैं आगे ले आऊंगी, क्योंकि ये मेरे एक दफ़ा बना लिए थे, इस साइड पे नहीं बने थे। धागे को या तो आपने काटना है काट लो, मैं काटूंगी नहीं, मैं ऐसे रख लूँगी। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 8 स्टिचेस उठाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इधर से 8 स्टिचेस उठाने हैं। अगर आपने एक केबल छोटी करनी है तो फिर आपको 6 स्टिच उठाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको 1
ये 1 से 2 साल के मेरे ख्याल में बच्चे के लिए ठीक होगा। 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8, ठीक। ये देखिए ये मैंने उठा लिया। ओके, अब ये वाले मैं वैसे ही बनाऊंगी। इसको मैंने ऐसे ही बना लिया, ये मेरा उल्टा हुआ, ये 4 केबल के थे। ओके, अब ये उल्टा हुआ, इसको मैं ऐसे। अब यहां से भी यहां तक मुझे 8 स्टिच डालने हैं, इधर से ही। यहां एक एक जो सिलाई है उस पर डाल लूंगी मैं। 1 2 3 7 और ये 8, दोनों साइडों से 8-8 स्टिच मैंने उठा लिए हैं, ठीक। अब ये वाला पोर्शन तो मैंने एक दफा बनाया था, ये नहीं था, इसको इसी तरह पैटर्न के हिसाब से हमें बना लेना है। जो सीधे हैं वो सीधे डाल लूंगी, जो उल्टे हैं वो मैं उल्टे डाल लूंगी। ये मेरे यहां 2 उल्टे आ रहे हैं, ये 2 3 4। ओके, यहां 2 सीधे आ रहे हैं, ये 2 उल्टे, 4 उल्टे, सॉरी, 2 सीधे, 4 उल्टे, 2 ये मेरा सारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब अगली सिलाई मैंने सारी सीधी सीधी डाल लेनी है, यहां से लेके यहां तक। ओके, ये बस इसी तरह सीधा सीधा, ये ऐसे सीधा सीधा ऐसे। ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहां से ये सोल के लिए कलर चेंज करेंगे, ये सोल का कलर चेंज। इसके लिए मैंने इसको ऐसे यहां नोट कर लो, वैसे मैं जैसे हर दफा करती हूं जब कलर चेंज करना हो तो जरा करने के बाद ये। ओके, अब इस धागे की जरूरत नहीं है, ये इतना मैं कट कर दूंगी, इतना कर ले क्योंकि इसी से सिलाई भी करनी है। इतना। अब ये मैं ये अब ये 4 रिजेस तक मैं सीधी सीधी सिलाइयां डालूंगी। इसी तरह इसका सीधा सीधा, ये सीधा सीधा ऐसे बनाते जाएं। ये अप टू देखें, ये 1 2 3 4 रिजेस तक हमने ऐसे बनाना है। ओके, फिर उसके बाद मुझे ये सोल के लिए कटिंग करनी है। ये मैंने ये 3, ये देखिए 1 2 3 3 रिजेस डाल लिए और 4th मेरी स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने ऐसा करना है कि सोल के लिए कटिंग शुरू करनी है। उसके लिए ये करेंगे कि ये मेरे पास टोटल 62 खाने हैं। 26 मैं इधर कर लूँगी, 26 को मैं इधर कर लूँगी, मिडल के 10 जो है ना उसको मैं मार्क कर लेती हूँ। जैसे
वहाँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एंड तेरह, ठीक, तेरह ये 26 हो गए। इनको मैं ऐसे मार्क कर लेती हूँ। और इधर से भी तेरह, तेरह दूना 26, ओके, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। ये मिडल के देखते हैं अब कितने रह गए इनका, ये मिडल है इसका हम सोल के लिए कटिंग करेंगे, ठीक है। ये ऐसे ये मार्क हो गया, अब मिडल के देखते हैं कितने हैं, ये वन टू थ्री फोर फाइव टेन है, ठीक। अब हमने यहाँ से हील, हील के लिए कटिंग करनी है और सोल के लिए कटिंग करनी है। उसके लिए हमने ऐसे करना है, ये जो दो है ना इनको दो का मैं एक कर लूँगी, इसका यहाँ ये मेरी ही, और बाकी मैं सारी सिलाई ऐसे ही डालती चली जाऊँगी। मैं सारी सिलाई डाल ली, ये ठीक, इसको मार्क को मैं इधर कर लूंगी। अब ये जो टेन है ना इसका हम ये करेंगे कि मैं दो को एक कर लूँगी, ठीक, फिर दो मैं वैसे बना लूँगी, फिर दो का मैं एक कर लूँगी, फिर दो ऐसे बना लूँगी, फिर दो का एक, इससे ये होगा कि तीन खाने मेरे यहाँ पे कम हो जाएंगे। यानी कि ये देखो मैंने वन एंड दो, एक और दो को मैं इकट्ठे बना लूँगी, ठीक, ये टू का वन हो गया, फिर दो दफ़ा मैं वैसे ही बना लूँगी, फिर ये दो जो है उनका मैं एक कर लूंगी, ठीक। अब दो मैं खाने वैसे ही बना लूंगी, अब ये दो का भी मैं एक कर लूंगी, ओके, मार्क मैं यहां कर लेती हूँ। बाकी सिलाई मैं सीधा सीधा ऐसे ही बनाऊंगी। बनाने के बाद जब हम यहां पे आएंगे तो फिर यहां भी मुझे दो का एक करना है, क्योंकि ये हील, हील जब ऐसे जुड़ेगी तो दोनों साइडों पे एक एक कम होंगे, ठीक। और उसके बाद उल्टी सिलाई फिर मुझे ऐसे सीधी सीधी डाल लेनी है, ठीक जी। ये मैंने पूरी सिलाई डालने के बाद उल्टी डाल ली है, एक सिलाई सीधी सीधी, यहाँ पे मैंने भी यहाँ भी दो का एक कर दिया था, ठीक। अब फिर मुझे यहाँ से जब यहाँ स्टार्ट करना है तो फिर यहाँ मैं टू को एक बना दूंगी, दो को एक कर दूंगी, ठीक, ऐसे। और बाकी सिलाई मैं यहाँ तक ऐसे ही सीधी सीधी डालूंगी, ये मार्क तक। हमने ये करना है कि ये जो टू है ना इसका मैंने ये कर लेना है, ये मिडल में वन टू एंड थ्री ये वैसे ही रहने दिए मैंने, इसका फिर मैंने एक बना लिया ये थोड़ा सा, ओके। अब ये करने के बाद ये मैं इसको मैं ऐसे, बाकी सिलाई मैं सारी ऐसे ही डाल लूँगी, और जब मैं यहाँ पे आऊँगी यहाँ पे तो फिर मैं दो को एक कर लूँगी, ठीक। और फिर उसके बाद मैंने उल्टी सिलाई फिर सारी सीधी सीधी डाल लेनी है। ये मैंने सारी सिलाई डालने के बाद यहाँ पे टू एक करने के बाद यहाँ से भी सारी सीधी सीधी बना ली। अब ये हमारी लास्ट है कटिंग का, यानी कि तीन मैंने यहाँ से कम किए, तीन मुझे यहाँ से कम किए, और ये जो मिडल में कम हो रहे हैं, ठीक, हील से भी तीन तीन कम हुए। अब फिर मैं इन दो को एक कर लूंगी ये, और ये मैं ऐसे सारी बना के अब यहां मार्क तक ऐसे ही बना लूंगी। ये मैंने मार्क तक बना लिया, इसको निकाल लेते हैं। अब ये मेरे पास टोटल यहाँ पे पांच स्टिच रह गए हैं, पांच मैं कम कर चुकी हूँ, तो मैं अब दो का यहाँ एक कर लूँगी, ये एक वैसे बना लूँगी, फिर दो का एक कर लूँगी, ठीक, ऐसे। ये दो को मैं एक बना लूँगी, ये एक ऐसे ही कर लूँगी,
फिर यहाँ भी दो का एक कर लूँगी। बस अब मेरी कटिंग ख़त्म हो गई है, ये मैं इसको ऐसे बाकी मैं सारी ये सिलाई बनाने के बाद जब मैं यहाँ आऊँगी तो यहाँ भी मैं दो का एक करूँगी। करने के बाद ये उल्टी सिलाई मैं सीधी सीधी सारी डाल लूँगी। ये मैंने सीधी सीधी उल्टी बना ली और ये मेरे सोल जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी ये पूरा हो गया है। अब मैं बिल्कुल सीधा सीधा इस पूरे किसारों को बंद कर दूँगी और ये हमारा शूज़ सीने के बाद रेडी। जैसे ऐसे बस इसको एक एक करके मैं इसको बंद करती जाऊंगी। ये मैंने सारा इसको ऐसे देखें बंद कर दिया है और ये जब मैं यहाँ से मिडल से लेके यहाँ से सोल सीलूंगी इस कलर में, यहाँ से यहाँ तक मैं इस कलर में सीऊंगी और ये वाला मैं ये धागा पिक करके यहाँ से जब सारा सिल जाएगा तो इस तरह ये बूट की शेप ऐसे बन जाएगी। ओके और नीचे ये ऐसे सोल हो जाएगा जैसे ये बना हुआ है। ये 1 से 2 साल के बच्चे का मेरा तो ख्याल ठीक होगा लेकिन मेरी बच्चियाँ कह रही हैं मम्मा ये बड़ा है, तो आप देख लीजिएगा। मैंने जैसे बताया आपको कि इसका सोल का साइज़ 5 इंच बन रहा है, आप जब भी आप बनाओ तो अपने बच्चे के पाँव को नीचे से ऐसे करके करने के बाद ये 5 से थोड़ा सा लेस ही हो रहा है, ठीक है। तो आप उसको करके यहाँ से जैसे मैंने आपको समझाया कम कर लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको मेरी ये एफर्ट लाइक होगी। मैं यहाँ से सीने के बाद ये इसको ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये मेरी एफर्ट लाइक हुई होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और प्रोजेक्ट के साथ मिलूंगी। उतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने अपने घर का ख्याल रखिएगा और अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने चाहा फिर मुलाकात होगी।